व्याकरण विषयक शास्त्री प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड प्रोष मनोरमा इको गुण वृद्धि का हिंदी व्याख्या प्रोष मनोरमा लघु सौदरत इको गुण वृद्धि इको गुण वृद्धि यहाँ पर इका है खष्ठ्यंतानुकरण लुप्त प्रथमांत पद है क्योंकि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम जत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र एक षष्ठ्यंत पद प्रतिष्ठते तो गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यहाँ पर ल्यप लोप में पंचमी विभक्ति है। यत्र यहाँ पर इतराभ्योपि दृश्यते इस सूत्र से तृतीयार्थ में तरल प्रत्यय होने से इसका अर्थ होता है। तो गुण वृद्धि का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा लक्ष्य में गुण वृद्धि का विधान करते हैं उस शास्त्र में एक यह खष्टंत पद उपस्थित होता है। जैसे गुण शब्द का उच्चारण करके सार्वधातु का अर्थ धातु को इस शास्त्र के द्वारा लक्ष्य में गुण विधान करते हैं और उस शास्त्र में एक यह खष्टंत पद उपस्थित होता है। यदि तृतीयार्थ में तरल प्रत्यय नहीं स्वीकार करते हैं तो लक्ष्य में परिभाषा की उपस्थित होने से परिभाषा का प्रणयन जो है निमन जो है सो निष्फल हो जाएगा। तथा यदि आप ऐसा कहते हैं कि इस सूत्र में केवल गुण वृद्धि शब्द है अतः जत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः खष्ठंत पदमुपतिष्ठते यह अर्थ उचित है और गुण वृद्धि शब्दाभ्याम अर्थात गुण शब्द का उच्चारण करके गुण का विधान हो और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान हो वहाँ पर इकः यह खष्ठंत पद उपस्थित होता है। यह अर्थ अनुचित है क्या? ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पर अधेंग गुण से गुण पद का तथा वृद्धि रातित से वृद्धि पद का अनुवर्तन करने से यह अर्थ होता है। गुण शब्द का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा गुण का विधान किया जाए और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जिस शास्त्र द्वारा विधि का विधान किया जाए वहाँ पर इकयह षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। इस अर्थ का गुण वृद्धि का अनुवर्तन करके संबंध से लाभ हो जाता है। यह मूली व्याख्यान गुणविद्धि सामर्थ्यात इस सूत्र के भाष्य विरुद्ध है। इस आशय से शब्द रत्नकार लिखते हैं यद्यपि तदनुवृत्ते व सिद्धे तत्शब्देन अदेंग आदित्य का ग्रहण होगा अगुण वृद्धि का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि अदेंग गुण वृद्धिरादित्य में गुण और वृद्धि शब्द स्वरूपरक है। तद शब्द से गुण वृद्धि का ग्रहण करने पर गुण और वृद्धि का स्वरूप ही ग्रहण होगा अतः तद शब्द से अदेंग और आदित्य का ग्रहण करना उचित है। यदि ऐसा कहते हैं इखनांताखट इसमें बहुगण बत संख्या इस सूत्र से संख्या का अधिकार आता है
तो संख्या विशेष खांत नांत प्रकारक बोध होता है। खांत नांत प्रकारक बोध होता है। यदि स्वरूप परक ही लिया जाए तो खांत नांत विशेषण नहीं हो सकता। अतः संख्या शब्दाधिकार अतः संख्या शब्दाधिकार से जानते हैं कि स्वरूप परक भी अन्य स्थान पर संज्ञी पर कहा जाता है। तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि संख्या पदम संज्ञी बोधकम, संख्या पदम संज्ञी बोधकम इस विशेषापेक्ष ज्ञापन को मानने पर दोषाभाव है। यह जो दोषाभाव है इसका भाव है, इसका भाव है तो खांताखट इसमें संख्या का अनुवर्तन आ जाने पर, संख्या का अनुवर्तन आ जाने पर संख्या पद में खांतत्व नांतत्व, संख्या पद में खांतत्व तथा नांतत्व असंभव होने से संज्ञा ग्रहण होता है क्योंकि ज्ञापन के बल से। अन्यत्र स्वादु के सर्वनाम स्थाने असुप्तिगंतम पदम से अनुवर्तमान पद पद संज्ञा का ही बोधन करता है, संज्ञा का नहीं। अतः शब्द रत्नकार कहते हैं कि अदेंग आदेच की अनुवृत्ति से इक के स्थान में अदिंग आदेच होता है। इस अर्थ की निष्पत्ति हो जाएगी। पुनः गुण वृद्धि ग्रहण क्यों किए तथा सामर्थ्य से लक्षण या अर्थ होगा गुण अथवा वृद्धि का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा लक्ष्य में गुण वृद्धि का विधान किया जाए वहाँ पर इकायह खष्टंद पद होगा। तथा च गुणवृद्धि पूर्व सूत्राभ्याम गुणवृद्धि पदेनुवार्य गुणो वृद्धिरिति, गुणो वृद्धिरिति ये गुणवृद्धि इति संबंधेन लभ्यते। तब इसका अभिप्राय है मंद बुद्धि वालों को भी स्फुट बोध होने के लिए पूर्व सूत्राभ्याम इत्यादि कहा गया है। उक्तार्थ होने से, उक्तार्थ होने से दिवौत यहाँ पर वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान न होने से इको गुण वृद्धि या परिभाषा उपस्थित नहीं होती। तो उक्तार्थानाम तो प्रयोग उक्तार्थाभाव में तद शब्द में त्यदादि नाम से आकारांतादेश नहीं होगा। इदम शब्द में इकार को ही अकारादेश होने लगेगा, अंत को नहीं होगा। अर्थात इदम शब्द में इकार को ही अकारादेश होने लगेगा, अंत को नहीं होगा। तो इको गुण विधि इस सूत्र में इकह यह खष्टंतानुकरण लुप्त प्रथमांत है। खष्टंतानुकरण होने से शब्द स्वरूप का बोधक हुआ, अतः नमुख संगलिंग होगा तथा सु का लुक हो जाएगा, अतः असंतस्य अतसंतस्य चाधातो इस सूत्र से दीर्घ नहीं होगा। पुनः